भी तो केवल लैपटॉप में तो डेस्कटॉप पर लगा रहे हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड हैं वो ट्रैक भी करते हैं और पिछले साल भी 21 किलोमीटर दौड़े, तो मुझे भी इनको देख के मतलब बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ कि भाई मैं भी दौड़ूँ और इस साल मैं भी दौड़ रही हूँ 10 किलोमीटर। इसके अंदर है कि आई कैन रन, आई विल रन एंड आई डिड रन। मैं इंदौर मैराथन की टीम और उनके ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर बाथम शशांक बाथम के साथ खड़ा हुआ हूँ, जो 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ते हैं। और जब ये छोटा बच्चा 8 साल का 50 किलोमीटर दौड़ सकता है तो हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर ज़रूर दौड़ सकते हैं, और यही इसकी थीम है, आई कैन आई विल एंड आई डिड। तो प्लीज़ आप सबसे उम्मीद हम कर सकते हैं कि टोबैको फ्री इंदौर के लिए हर व्यक्ति दौड़े, हर बच्चा दौड़े और हर परिवार का सदस्य दौड़े। और एक बार फिर संदेश जाए कि अगर इंदौर किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेता है, तो चाहे वो स्मार्ट सिटी हो या ऑडियो फ्री सिटी हो या किसी भी तरह के अन्य दान की बात हो, उसी तरह से हम मैराथन में भी आगे रह सकते हैं और सर्वाधिक अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एक इंटरनेशनल रेस है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार है इस रेस के लिए। और 5 किलोमीटर की जो रेस है वो वॉक है, हेरिटेज वॉक रखी है, जो कि राजबाड़ा से चालू होगी सुबह 8:30 बजे और राजबाड़ा से सीधे MG वो नेहरू स्टेडियम पर समाप्त होगी 9:30 बजे तक। और जो 21 किलोमीटर की जो रेस है वो एग्जैक्टली 6:00 बजे हम नेहरू स्टेडियम से चालू करेंगे, नेहरू स्टेडियम से पलासिया, पलासिया से राजबाड़ा, राजबाड़ा से पलासिया, पलासिया से LIG, 3 पुलिया पलासिया LIG और LIG से फिर आगे जाके विजयनगर से घूम के रोटरी तक नहीं जाएगी, उसके पहले ही टर्न करके AB रोड से वापस नेहरू स्टेडियम में आ जाएगी। और बेसिकली ये जो हम लोग मैराथन करा रहे हैं ये एक तम्बाकू मुक्त स्वस्थ इंदौर के लिए करा रहे हैं। इसमें 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 धावकों के अंदर भी इंटरनेशनल धावक आ रहे हैं।